सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अकबर शेख, NSS इंस्टीट्यूशन बीकानेर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के आया हूं जो मेरे विद्यार्थी और मेरे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए सभी अभिभावक जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखने जा रहा हूँ जो उन अभिभावकों के बच्चों और मेरे विद्यार्थियों का आगे जाके भविष्य का निखार करेगी। मैं आज जो बातें बताने जा रहा हूँ, अगर मेरी बातों को अपने जीते जीवन में उतार लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। मैं एक एक करके जो मेरे इंस्टीट्यूशन की जो फैसिलिटीज है, सुविधाएँ हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले कुछ मुद्दे पर बात की जाए, अगर अभिभावक या विद्यार्थी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, भविष्य के अंदर क्या तय करना है यही अगर सोच के जाना है तो मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना। आपको क्या सीख मिलती है, अपने बच्चों का भविष्य कैसे तय होता है, आज ही आप शिक्षा लेके जाओगे और यथी जीवन में ये बातें उतार ली जाए तो ये संभव कुछ भी नहीं। जो अभिभावक हैं उनकी कई बार शिकायतें आती रहती है, अक्सर घर पे बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, या घर पे बच्चा पढ़ता नहीं है, या खेलता रहता है, या मोबाइल टीवी में ज़्यादा ध्यान रखता है। तो उन्हीं बातों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ और कुछ ना कुछ सुझाव देने चाहूँगा। अगर मेरे सुझावों पर अगर खरे उतरते हैं तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके जो बच्चे का जो भविष्य होगा वो वास्तव में ही कुछ कर निकलेगा। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आप सभी से, कि इंसान के जीवन में क्या जरूरी है, तो शायद सभी का उत्तर यही होगा कि सर शिक्षा बहुत जरूरी है इंसान के जीवन में। लेकिन उससे भी जरूरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शिक्षा से भी जरूरी चीज़ होती है उसके संस्कार। अगर कोई इंसान अगर PhD की डिग्री लेकर के मेरे सामने आ जाता है और उसके अंदर संस्कार नहीं है तो मैं उस डिग्री को एक कागज के समान मानता हूँ। वो डिग्री लेकर सामने आ जाता है, उसके बड़ों के सामने कैसे बात करनी है, बात करने का तरीका क्या है, समाज में कैसे रहना है, कौन से इंसान से कैसे बात करनी है, अगर उसको ये तरीका नहीं है तो वो डिग्री किसी काम का नहीं है। और संस्कार सबसे पहली पीढ़ी जो होती है संस्कार की, वो होती है उसकी मातृभाषा से, अपने घर से, अपने परिवार से। और जो उसकी दूसरी पीढ़ी होती है वो होती है उसका शिक्षक, उसकी स्कूल। अगर किसी स्टूडेंट के अंदर संस्कार हैं तो शिक्षा देने के लिए मैं बैठा हूँ। कभी भी आके बोल देना सर हमारे बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, मैं बैठा हूँ 100% देने के लिए, लेकिन उसमें संस्कार होने बहुत जरूरी। फिर भी अगर किसी को कुछ लगता हो कि सर चाहे कुछ भी हो हमारा बच्चा इसमें संस्कार भरने, तो उसके सामने मैं एक डिमांड और रखूँगा, जो ये रखूँगा कि आपका बच्चा हमारे इंस्टीट्यूशन में परमानेंट आना चाहिए, संस्कार देने के लिए मैं तैयार हूँ। संस्कार और शिक्षा दोनों मैं दूंगा अगर आपका बच्चा परमानेंट मेरे इंस्टीट्यूशन में आता है। संस्कार भी दूंगा, शिक्षा भी दूंगा, रिजल्ट भी दूंगा। लेकिन मैं अभिभावकों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभिभावक ये मानते हैं कि हमारा बच्चा घर पे मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता है, या पढ़ता नहीं है, मोबाइल में ध्यान रखता है, टीवी में ध्यान रखता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हम खुद लीकेज होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलतियां होती है, तभी वो बच्चा जिद करेगा फोन लेने की, नहीं तो फोन की कोई जिद नहीं करेगा, कोई पूरे दिन खेलने की जिद नहीं करेगा। विद्यार्थी के जीवन में खेलना भी जरूरी होता है, लेकिन उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, ना कि वो पूरे दिन खेलता रहता है, पूरे दिन खेलता रहता है, उसका बस्ता कहाँ है, बुक कहाँ है, कॉपी कहाँ है, पेन कहाँ है, कुछ पता नहीं उसको। जो बच्चा इंस्टीट्यूशन से पढ़ के जाता है
अगर वो घर पे दौरान नहीं करता है तो उसकी पूरे दिन की पढ़ाई बेकार होती है। और बच्चा सबसे ज्यादा मोबाइल लेने की जिद कब करता है? जब बच्चा बैठ जाता है पढ़ने के लिए और अभिभावक उसके सामने टीवी और मोबाइल यूज करते हैं, तभी वो बच्चा जिद करेगा आपके साथ। बच्चा संस्कार सीखता है घर से। अगर कुरान उठा के देख लो, गीता उठा के देख लो, गुरु ग्रंथ साहिब उठा के देख लो, या फिर साइंस उठा के देख लो, कोई भी बुक आपको ये नहीं कहेगी कि सुबह 9 बजे उठना है। सारी बुक्स में यही लिखा हुआ है कि सुबह जल्दी उठना है। अगर अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य निखारना चाहते हैं, उनका भविष्य कुछ बनाना चाहते हैं, तो कुछ आदतें डालनी पड़ेगी। और अगर कोई अभिभावक कहना चाहे कि सर बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। संस्कार दिए जाते हैं हैबिट से, आदत से। हैबिट क्या होती है? हैबिट इज ए बिहेवियर दैट इज ए रिपीटेड फ्रीक्वेंटली। हैबिट वह चीज है जिसका हम बार बार प्रयास करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं। ऑल ऑफ अस गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। आदतें सब में होती है, कुछ में बुरी आदतें होती है, कुछ में अच्छी आदतें होती है। अगर हमें आदत बनानी है तो उसको बार बार रिपीटेड करना पड़ेगा। उसको कोई भी आदत बनानी, उस आदत को रिपीट करनी पड़ेगी। वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट, देन आवर हैबिट मेक अस। यानी पहले हम आदत को बनाते हैं, फिर वही आदत हमें बनाती है। अगर आपको आदत बनानी है तो आपको 21 दिन प्रयास करना पड़ेगा। किसी भी चीज का अगर आप प्रयास करते हो तो आपको प्रयास 21 दिन करना पड़ेगा, 22वें दिन वो आदत अपने आप हो जाएगी। अगर आपका बच्चा घर पर नहीं पढ़ता है तो उसको किसी भी तरह से 21 दिन उसको बैठाओ। ऐसा नहीं है, कुछ अभिभावक होते हैं वो खुद के मन में बड़ा प्रोमिस कर लेते हैं कि आज तो मेरे बच्चे को पूरे दिन बैठाऊंगा। नहीं बैठेगा, छोटा सा प्रयास करो। अगर किसी का बच्चा घर पे बिल्कुल भी नहीं बैठता तो सिर्फ 5 मिनट का प्रयास करो, छोटा सा प्रयास, सिर्फ ये प्रयास कि आज मैं कम से कम मेरे बच्चे को 5 मिनट घर पे बैठाऊंगा, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए प्रॉमिस करो। अगर एक दिन वो 5 मिनट के लिए बैठ गया, अगले दिन उसको 10 मिनट दो। रेगुलर 5 दिन तक उसको 10-10 मिनट बैठाओ, छठे दिन उसको 20 मिनट अपने आप बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। टाइम बढ़ाते जाओ, आपको 21 दिन मेहनत करने की जरूरत है, 22वें दिन वो कॉपी खोल के खुद बैठेगा वो, आई प्रोमिस यू। क्यों नहीं बैठेगा, उसको बैठना पड़ेगा। लेकिन अभिभावक ही अगर यही करेगा कि सुबह वो 9 बजे उठेगा, बच्चों का उठना संभव है? वो 9 बजे उठेंगे भी? क्योंकि अगर हम नीम का पेड़ बो करके अगर हम उससे आम लेना चाहेंगे ना, आम नहीं मिलेंगे। नीम के पौधे से कभी आम नहीं मिलेंगे। अगर कोई इंसान सुबह जल्दी उठता है, अब कोई अभिभावक कह दे कि हमारे घर पे बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या आपको सुबह जल्दी उठने के लिए कोई डिग्री दिखानी पड़ेगी? कोई आपसे ये पूछेगा कि आप 10वीं पास हो तभी आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, या 12वीं पास हो तभी आप सुबह जल्दी उठ सकते हो? कोई आपसे पूछेगा? आप जल्दी उठो, आपके बच्चे को जल्दी उठाओ और सुबह उसको पढ़ने के लिए बैठा दो। ये होती है हैबिट। और जो इंसान सुबह जल्दी उठता है उसका भविष्य ऊपर वाला अपने आप तय कर देता है कि हाँ, कोई इंसान जो है वो मेहनत कर रहा है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। जो सुबह की जो नींद होती है वो इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है, बड़ी मंजिलों को पाने वाले देर तक सोया नहीं करते। सुबह जल्दी उठो, सूरज को जगाओ। ऐसा नहीं हो कि सूरज तुम्हें जगाए। सक्सेसफुल इंसान वही होते हैं जो सूरज को जगाते हैं, और फेलियर इंसान वही होते हैं जिनको सूरज जगाता है। आदतें बनानी पड़ेगी,
शिक्षा अपने आप मिलेगी। फिर भी अगर कोई गलती हो, हम तैयार बैठे हैं, हर सबको कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। अगर बच्चे में संस्कार नहीं है, संस्कार देने के लिए हम बैठे हैं। पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई देने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन बच्चा प्रॉपर आना चाहिए। लॉकडाउन के चलते काफ़ी समय हो गए आपसे मिले हुए, तो फ़ोन पर ही बातचीत होती है या वीडियो के जरिए होती है। वीडियो कॉलिंग में जो नोटिफिकेशन है वो वीडियो के जरिए पहुंचती है। तो जो भी अगर अभिभावक मेरी बातें सुन रहा है, तो यही बातें अगर टाइम निकाल करके और इन्हीं बातों के ऊपर गौर करें, आपका बच्चा अपने आप सक्सेसफुल होगा। एक एक करके जो मेरे इंस्टीट्यूशन की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं बताना चाह रहा हूँ। नंबर एक, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर उच्च शिक्षित स्थाई शिक्षित अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन कराया जाता है। नंबर दो, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर डिजिटल माध्यम से जो है पढ़ाई करवाई जाती है। यानी कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था मिटश्योर का, जो मिटश्योर का सिलेबस लगा रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन है, आई बटन पर जाके आप मिटश्योर के अंदर जो कैसी पढ़ाई होती है, मिटश्योर का सिलेबस कैसा है, वो सारा का सारा आप ऊपर जाके आप आई बटन के अंदर आप चेक कर सकते हो। नंबर तीन, अगर कोई भी विद्यार्थी हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर प्रवेश लेता है, तो हमारी जितनी भी शाखाएं हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा अभी, लालगढ़, बीकानेर, रामपुर बस्ती गली नंबर 3, गली नंबर 18, भीमनगर, रणी इंडस्ट्रियल एरिया, ओल कवर, दुर्गा मार्केट बीकानेर, केशव कुंज बीकानेर, ख्वाजा कॉलोनी बीकानेर, जितनी भी हमारी शाखाएं हैं, उन सब में उसकी ट्यूशन फ्री होगी। बोर्ड क्लास के लिए स्पेशल एक टेस्ट सीरीज बना करके उनकी तैयारी करवाई जाएगी। 7 नंबर, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर रटा कर नहीं बल्कि समझा करके पढ़ाया जाता है डिजिटल माध्यम से। नंबर 8, शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाए जाते हैं। नंबर 9, वाहन की सुविधा पूरी जिम्मेदारी के साथ डोर टू डोर होगी। नंबर 10, स्कूल में पंखों की व्यवस्था है। अगर कोई अभिभावक यह कहना चाहे कि सर आपके पास तो बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ पंखे वगैरह दे रहे हो, बिल्डिंग भी हमारे पास, एसी वाली बिल्डिंग चाहिए वो भी हमारे पास, बट सॉरी हम उसमें बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, सिर्फ नींद करवा पाएंगे। अगर जिसको पढ़ना हो वो पंखे के नीचे बैठकर भी पढ़ सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको क्लासरूम में एंटर होने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने पूरे देश का संविधान लिख डाला था। जो पढ़ने वाला होगा वो पंखे के नीचे बैठकर भी पढ़ सकता है। नंबर 11, विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था। नंबर 12, बोर्ड क्लास के अगर 90% बनते हैं तो पूरे साल की फीस वापस की जाएगी इनाम के रूप में या पुरस्कार के रूप में, जैसे भी मानो। नंबर 13, हमारी संस्था की तरफ से सिर्फ लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। नंबर 14, हमारा जो डिजिटल माध्यम चलता है उसके माध्यम से आप घर पर बैठकर भी बच्चों को पढ़ाई करवा सकते हैं। नंबर 15, फन टू लर्न, जैसे छोटे बच्चे कार्टून देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारे स्कूल में अध्ययन भी उन्हीं को उसी माध्यम से करवाया जाता है। नंबर 16, 5वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक हावरली बेसिस, यानी प्रति घंटे की क्लासों के हिसाब से उनका जो टाइम टेबल बना हुआ है उस हिसाब से जो है उनको अध्ययन करवाया जाता है। नंबर 18, इंग्लिश स्पोकन की 100% गारंटी। और नंबर 19, जो संस्कारी विद्यार्थी होगा उसकी फर्स्ट डिवीजन की हमारी गारंटी। अगर कोई अभिभावक कहता है कि हमारे बच्चे में संस्कार नहीं है, तो बच्चा रेगुलर आना चाहिए, संस्कार देने के लिए हम बैठे हैं। इसी के साथ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों तक पहुंचाने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद।